हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोगों का स्वागत है ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में। तो हम लोगों ने कल क्वेश्चंस का सलूशन किया था, आज एक बार फिर उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे जो भी हैं वो डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड हैं, चाहे वो CGL हो, MTS हो या अदर्स हो। ये किसी भी एग्जाम में आपके काम आएंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में लगभग हर पार्ट्स को टच किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द टीम अलोंग विद द कैप्टन हैज पुट ऑन देयर यूनिफॉर्म्स बिफोर द मैच। द टीम अलोंग विद द कैप्टन, यानी दो सब्जेक्ट है यहां पर। पहला सब्जेक्ट है टीम और दूसरा सब्जेक्ट है कैप्टन, और प्लस किससे है? अलोंग विद से। सो द दो सब्जेक्ट्स अलोंग विद, टुगेदर विद, विथ के साथ जुड़े होते हैं, तो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और प्रोनाउन होता है। पहला सब्जेक्ट क्या है? टीम। और पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? हैज नहीं होगा माय फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पर हैज लिखते हैं, टीम आपका सिंगुलर भी होता है, टीम प्लुरल भी होता है, लेकिन जब यूनिफॉर्म पहनने की बात हो रही है तो प्रत्येक खिलाड़ी यूनिफॉर्म पहनेगा, यानी यहाँ पर क्या होगा? हैव पुट ऑन यूनिफॉर्म्स, यहाँ पर देयर यूनिफॉर्म्स है, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यानी यहाँ पर हैज नहीं होगा, क्या होगा? हैव होगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। संजीव एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, देखते हैं ध्यान से। एंड नॉट से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है। जब दो सब्जेक्ट्स एंड नॉट की सहायता से जुड़ते हैं तो पहला वाला सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होता है। संजीव एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, यानी कौन रिस्पॉन्सिबल है? संजीव रिस्पॉन्सिबल है, उसके फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो संजीव के अनुसार यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इज, और इसी के अनुसार यहाँ पर क्या लगेगा? देयर जो लगा हुआ है वो प्लूरल होता है, जबकि संजीव क्या है? सिंगुलर। इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन एडजेक्टिव का हम यहाँ पर यूज करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और संजीव चूंकि मेल है इसलिए किसका यूज होगा? इज का होगा। अगर संजीव के जगह पर संजना होती तो यहाँ पर हम हर का यूज करते। संजीव एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लॉस, केवल संजीव अपने लॉस का जिम्मेदार है, बाकी कोई और उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। द टीम सेम कैप्टन है, इसको हम डन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज जो है ये एक फ्रेज है, और इस फ्रेज के अनुसार देखते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब कोई इंसान जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, यानी कि अपने टाइम का पूरी तरीके से ख्याल रखता है, तो क्या बनता है? हेल्दी बनता है, वेल्दी बनता है और वाइज बनता है। एक ही प्रकार के गुणों की बात हो रही है, यानी यहाँ पर क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये सिंगुलर है और ये फ्रेज सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? एस या ईएस का यूज किया जाएगा, यानी मेक्स होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एस या ईएस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इट वॉज राहुल एंड मी हु क्रिएटेड, अब क्रिएटेड देखिए क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है, और हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसके बगल में लगता है वैसा ही उदाहरण करता है। हु हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ लगता है। हु किसके साथ लगता है? सब्जेक्टिव केस। इसका रिलेटिव केस क्या होता है? हुज, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, यानी कि हमेशा हु किसके साथ लगेगा? सब्जेक्टिव केस के साथ लगेगा। अब देखिए यहां पर राहुल तो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन मी सब्जेक्टिव केस नहीं है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई होगा, यानी हमको यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, आई बनाना पड़ेगा। एक बार और देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इट वाज, इट प्लस इज या वाज प्लस सब्जेक्टिव केस, यानी इट इज या इट वाज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। यहाँ पर राहुल सब्जेक्टिव केस है,
लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एवरीबॉडी नोज द वैल्यू ऑफ रोमांस एंड रियलिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ए मूवी। सब लोग जानते हैं कि किसी भी सिनेमा को हिट बनाने के लिए उसमें रोमांस होना जरूरी है और उसमें रियलिज्म यानी वास्तविकता होना जरूरी है। यहां पर देखिए द वैल्यू ऑफ, ये जो ऑफ है यहां पर, जो ये ऑफ है, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद अगर दो नाउन दिया हुआ है, अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अगर नाउन दिया है तो ये मेन सब्जेक्ट होता है, और वाक्य में चाहे वो एक्सिलरी वर्ब हो या फिर प्रोनाउन हो किसके अनुसार होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट है द वैल्यू, द वैल्यू सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है तो द वैल्यू के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का यूज नहीं होगा, क्या होगा, इज लगेगा। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। एवरीबॉडी नोज दैट द वैल्यू ऑफ रोमांस एंड रियलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मूवी, यहां पर इज का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिटिल नॉलेज, नॉलेज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, वाटर, मिल्क, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एटसेट्रा, जो भी है अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर होगा। यानी नॉलेज के अनुसार, देखिए यहां पर ऑफ लगा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले के अनुसार, नॉलेज के अनुसार क्या होगा, द लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स दैट ही गेन्ड थ्रू न्यूज पेपर्स एंड मैगजीन्स आर, यानी यहां पर आर का यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्या लगेगा, इज, द लिटिल नॉलेज इज, ओके, द लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स दैट ही गेन्ड थ्रू न्यूज पेपर एंड मैगजीन आर नहीं होगा, इज का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A few hour of patience were spent and his race turned wild. उसने थोड़ा देर साहस रखा फिर उसका दिमाग खराब हो गया। कितने देर बेचारा साहस रखेगा? अब देखिए, a few hour of patience, यहाँ पर were लगा हुआ है, were किसके साथ लगता है, plural के साथ, लेकिन यहाँ पर few hour लिखा हुआ है। अब a few जब लगता है, a few हमेशा किसके साथ लगता है, countable noun के साथ लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और वो भी प्लूरल, कैसे प्लूरल, ए फ्यू बॉयज, ए फ्यू बॉयज, ए फ्यू गर्ल्स, ए फ्यू पर्संस, जब भी आप यूज करेंगे प्लूरल में यूज करेंगे, यानी यहां पर ए फ्यू आवर नहीं होगा, क्या होगा, आवर्स होगा, ए फ्यू आवर्स ऑफ पेशेंस। अब जब ये प्लूरल हो जाएगा तो यहां पर वर्ब प्लूरल है, जो कि बिल्कुल सही है, इसलिए हमको यहां पे सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द क्वार्टर ऑफ दिस चैप्टर, दिस चैप्टर, देखिए एक चैप्टर की बात हो रही है सिंगुलर, और इसका क्वार्टर यानी कि एक चौथाई, जब एक है तो सिंगुलर ही है, तो एक का जब एक बटा चार करेंगे तो प्लूरल तो हो नहीं सकता है, वो भी सिंगुलर ही होगा, क्योंकि वो तो उससे भी कम हो गया, उसका एक चौथाई हो गया, 0.25 हो गया, तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। द क्वार्टर ऑफ दिस चैप्टर, आर नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्या लगेगा, इज लगेगा, इज येट टू बी कंप्लीटेड बाई आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या लगा है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, यानी टैक्स ट्रीटी सिंगुलर है, वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, यानी यहां पर हैव का यूज नहीं होगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन आंसर नोट भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर कॉम्पिटेटिव वे में आपको हर सब्जेक्ट्स की पूरी तैयारी मिलती है, वो भी हर लेवल की, चाहे आप सिपाही की तैयारी कर रहे हो या दरोगा या MTS या CGL। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड टू गेट सेंसिटाइज टू द वे वी अफेक्ट अदर फेलो ह्यूमंस। अब देखिए
वी नीड टू गेट सेंसिटाइज टू किसको अफेक्ट कर रहा है, अदर फेलो हुमेंस। अब हुमेंस की जब हम बात करते हैं तो हुमेन का मतलब हो गया मानव जाति, अगर एक की बात हो रहा है तब, और अगर प्लूरल बनाना चाहता है तो इसको इसने हुमेंस कर दिया। फिर फेलो का मतलब भी पर्सन ही होता है, एफ ई डबल एल ओ डब्ल्यू। फेलो का भी मतलब होता है जैसे हम लोग बंदा बोलते हैं, बड़ी अच्छा बंदा है, ही इज अ गुड फेलो, ही इज अ नाइस फेलो, ही इज अ हैंडसम फेलो, ही इज माई डियरेस्ट फेलो। ओके, तो फेलो का यूज कीजिए या हुमेंस का यूज कीजिए, दोनों में से एक भी आपका काम चला देगा। और उससे भी कहीं जरूरी है, यहां पर देखिए अदर का यूज किया गया है। तो जब यहां पर अदर लगा है तो अदर का मतलब क्या होता है, दूसरा। और जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं इसका यूज नाउन और प्रोनाउन, नाउन और एडजेक्टिव दोनों रूप में होता है। चूंकि यहां पर नाउन है इसलिए अभी ये क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव बना है। लेकिन अगर हम इस नाउन को हटा दें तो ये मेरा नाउन खुद बन जाएगा और हम इसको अदर कर सकते हैं। फिर देखते हैं सेंटेंस को, वी नीड टू गेट सेंसिटाइज टू द वे वी अफेक्ट अदर्स। वो बातें जो दूसरों को, एक व्यक्ति को नहीं सबको, वो बातें जो दूसरों को अफेक्ट करती हैं, चोट पहुंचाती हैं, उन बातों से हमें बच कर रहना चाहिए। यानी हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हमें अपने लिए पसंद है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी हैज इनेबल्ड अस टू एग्रेसिवली वर्क इन दिस एरिया। अब देखिए यहां पर इन लगा हुआ है प्रीपोजिशन, और इन जब लगा है प्रीपोजिशन तो हमारा पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, यहां पर है प्लूरल, चेंजेस है, सी एच ए एन जी ई एस, यानी कि कैसा नाउन है जी, प्लूरल है। वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। देखिए, द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी हैज कभी लगता है प्लूरल के साथ, बिल्कुल नहीं, क्या होगा, हैव का यूज होगा। द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी हैव इनेबल्ड अस टू एग्रेसिवली वर्क इन दिस एरिया। ये जो नए रूल्स बन गए हैं इनके वजह से हमें अपने काम में और ज़्यादा तेजी लाने की जरूरत है, बिल्कुल हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरह। जितने ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन हैं हमें और ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है, सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। दिन के 24 घंटे का आप इस्तेमाल कीजिए, अब इंग्लिश आपके फिंगर टिप्स पर है। जब आप घर बैठे चाहें क्लासेस को ऑन कर सकते हैं, और हमारे कोचिंग के सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, सब आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई हु आर योर सिस्टर। देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है माई फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन है। जिसके बगल में लगता है उसी के अनुसार उदाहरण लगता है, किसके बगल में लगा है, आई के बगल में, और आई के अनुसार ही रूप धारण करेगा। तो बताइए आई के साथ आर लगता है, बिल्कुल नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। आई हु एम योर सिस्टर, और आई के साथ देखिए क्या लगता है, हैव लगता है, बिल्कुल सही है, हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू इन द आवर ऑफ नीड। मैं जो कि तुम्हारी बहन हूं, यानी एक बहन होने के नाते, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू इन द आवर ऑफ नीड, जरूरत के समय मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। यहां पर क्या होगा, एम का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मोर वाइडली पॉपुलर। मोर वाइडली पॉपुलर देन हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स वर द परसुइट ऑफ हेयर। अब देखिए, More widely popular than the hunting of deer or fox। यहां पर और लगा हुआ है, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है अथवा, यानी दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है आइदर और नाइदर नॉर, या तो ये या वो, आप दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं, दोनों तो आप टिक मारेंगे नहीं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, और, यानी कि पहला वाला सब्जेक्ट या दूसरा वाला सब्जेक्ट, किसी एक की बात हो रही है। मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स, यहां पर हंटिंग क्या हो जाएगा, यहां पर ऑफ लगा हुआ है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है। यहां पर हंटिंग क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। वर्ब का यूज नहीं होगा, क्या लगेगा माई फ्रेंड्स, वाज का यूज किया जाएगा।
चूंकि यहां पर हंटिंग सिंगुलर है इसलिए क्या होगा, वाज लगेगा। मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स वाज द परसुइट ऑफ हेयर, हिरण और फॉक्स के शिकार से कहीं ज्यादा खतरनाक, डेंजर या रोमांच भरा होता है किसी खरहे का शिकार करना, क्योंकि आपको पता है सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आर, देखिए यहां पर प्रीपोजिशन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा है यहां पर, कौन सा प्रीपोजिशन है, ऑफ, और ऑफ के पहले क्या लिखा हुआ है, वन। अब ये तो सबको पता है कि वन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और इसके साथ वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर, इसलिए आर का यूज नहीं होगा, क्या होगा, इज। सबसे इजी क्वेश्चन है हमारे सेट का। वन ऑफ द इजी ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज दैट इट, फिर देखिए इट लगा सिंगुलर, डज नॉट सिंगुलर के साथ लगता है, इनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज दैट इट डज नॉट इनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग, आज के जमाने में लोग ओरिजिनल थिंक करना छोड़ दिए हैं, यानी ज्यादातर लोग डुप्लीकेट काम करने में विश्वास रखते हैं, जो कि बैड है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द टीम अलॉन्ग विद द कैप्टन, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैच आफ्टर मैच, मैच आफ्टर मैच वर सीन बाय देम, मैच आफ्टर मैच, जब दो समान सब्जेक्ट्स किसी प्रीपोजिशन की सहायता से जुड़ते हैं, एकदम सिमिलर सब्जेक्ट होना चाहिए, दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, यानी एकदम बराबर होना चाहिए। मैच आफ्टर मैच, विलेज आफ्टर विलेज, मैन आफ्टर मैन, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, तो वो हमेशा सिंगुलर रहता है और उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। देखिए मैच आफ्टर मैच बिल्कुल दोनों सेम है, इसलिए वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर, यहां पर क्या लगा हुआ है, वर्ब क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। मैच आफ्टर मैच वाज सीन बाय देम, उनके द्वारा हर एक मैच देखा गया। अब आप बताइए कि जब हर एक मैच देखा गया तो कितने मैच देखे गए, क्या आप उस मैच को गिन सकते हैं, जैसे हम लोग इंडिया का सारा मैच देखते हैं तो कितने मैच हम लोगों ने आज तक देखे हैं। मैं बोलता हूं कि मैंने तो आज तक कोई मैच ही नहीं छोड़ा, इसका मतलब कि अनकाउंटेबल है, और जब अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, इसकी गिनती करना संभव नहीं है, इसलिए किसका यूज होगा, वाज का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लिटिल पॉलिटिक्स, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले, देख लीजिएगा सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। लिटिल नॉलेज के अनुसार यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर आर नहीं होगा, क्या होगा, इज का यूज होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज अम्ब्रेलाज बिलोंग टू यू, इनमें से कौन सा अम्ब्रेला आपका है, यानी यहां पर बहुत सारे अम्ब्रेलाज हैं और बहुत सारे अम्ब्रेलाज में से कौन सा आपका है, तो विच वन, अब वन बताइए सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, केवल एक की बात कर रहा है, वन हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब में किसका यूज किया जाएगा, एस या ईएस का यूज होगा। तो बिलोंग के साथ क्या लगता है, एस लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही बिलोंग्स टू पटना, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ठीक है। जब भी आप यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि यहां पर क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। देखते हैं यहां पर क्या लगेगा, हमारा बिलोंग्स का यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द टेक्स्ट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, यहां पर क्या है, बिटवीन, और बिटवीन की जब बात करते हैं तो बिटवीन है प्रीपोजिशन और पहले है टेक्स्ट ट्रीटी, सिंगुलर होगा, यानी यहां पर हैव नहीं होना चाहिए, क्या होगा,
हैज बीन का यूज किया जाएगा। वी नीड टू गेट सेंसिटाइज्ड, इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू सक्सीड, सबको अपना बेस्ट देना होगा अगर वो सफलता हासिल करना चाहता है तो। यानी कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? वन। अब वन के लिए कभी हिज का यूज नहीं होता है। आगे देखिए, फिर यहां पर लगा हुआ है वन। अब जब हम बात करते हैं वन का, वन को हम लोग याद कर सकते हैं जैसे ही का यूज हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन में, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर और हर्स का यूज होता है। वैसे ही वन का भी यूज होता है, वन, वन और वंस की तरह। यानी इसके साथ हिज का यूज नहीं होगा, ही के लिए हिज होता है, लेकिन वन के लिए क्या होता है? वंस होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, और वन का भी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वंस होता है। यानी यहां पर हिज का यूज नहीं होगा, वंस का यूज होगा। वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट्स इन इफ वन विशेस टू सक्सीड, अगर कोई व्यक्ति सफलता हासिल करना चाहता है तो उसको अपना बेस्ट देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द सडन इंक्रीज इन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्राइम इन आवर स्टेट हैव मेड द पीपुल पैनिक, हमारे शहर में या हमारे राज्य में जो भी ये सिचुएशन खराब हुई है, द सडन इंक्रीज इन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्राइम, जो क्राइम होता जा रहा है इसके वजह से लोग क्या हो गए हैं? हैव मेड द पीपुल पैनिक, यानी लोग एकदम अस्त व्यस्त हो गए हैं, तितर बितर हो गए हैं, घबरा गए हैं, बेचैन हैं। किसके वजह से? क्राइम की वजह से। देखिए यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है प्रीपोजिशन इन, और इन के पहले लिखा हुआ है द सडन इंक्रीज, कैसा है? सिंगुलर है, यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्राइम इन आवर स्टेट, यानी यहाँ पर हैव का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? हैज का यूज। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस का सलूशन किया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मदद मिलती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहें। यह पूरा का पूरा मिक्सचर सेट है 100 क्वेश्चंस का, या एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस का ये सेट है। इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब या फिर टेंस, वॉइस, नरेशन और वर्ड मीनिंग सबके लिए क्लास करेंगे। सो जय हिंद, जय भारत।